गुड मॉर्निंग क्लास थ्री। हिंदी की बुक, हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण की कॉपी निकाल लीजिए। बुक में पार्ट 19 खोल लीजिए। पार्ट 19 है दिनों के नाम। पार्ट 19 क्या है? दिनों के नाम। तो ये दिनों के नाम आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप भी इसे पढ़िएगा। दिनों के नाम, दिनों के नाम कौन कौन से दिन होते हैं ये तो आपको पता ही है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। जिसे पढ़ते हैं बच्चों, दिन को बार भी कहते हैं। दिन को क्या कहते हैं? वार भी कहते हैं। 7 दिनों को मिलाकर सप्ताह बनता है। 7 दिनों को मिलाकर क्या बनता है? सप्ताह बनता है। सप्ताह में हर दिन का एक निश्चित नाम तथा निश्चित क्रम होता है। सप्ताह में हर दिन का एक निश्चित क्रम तथा एक निश्चित नाम होता है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो हर एक दिन का नाम है ना, जैसे आज सोमवार है, कहते हैं कल मंगलवार है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हर एक दिन का नाम है और ये निश्चित क्रम में है। सोमवार के बाद ही मंगलवार आता है, मंगलवार के बाद बुधवार, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रविवार। तो ये क्रम में भी है और एक निश्चित नाम से भी है। तो इसे हम दिनों के नाम कहते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। चलिए नीचे आइए अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास प्रश्न है, पहला सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। क है, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? रविवार, सोमवार या शनिवार? कौन सा दिन होता है? सोमवार। तो हम टिक करेंगे सोमवार। सप्ताह के तीसरे दिन को क्या कहते हैं? सप्ताह के तीसरे दिन को क्या कहते हैं? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। तो क्या कहते हैं सप्ताह के तीसरे दिन को? बुधवार। बृहस्पतिवार का दूसरा नाम क्या है? बृहस्पतिवार का दूसरा नाम क्या है? बुधवार, मंगलवार, गुरुवार। तो बृहस्पतिवार का दूसरा नाम क्या है? गुरुवार। आप विद्यालय किस दिन नहीं आते हैं? तो आप विद्यालय किस दिन नहीं आते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार। किस दिन नहीं आते हैं? तो रविवार को आप विद्यालय नहीं आते हैं, इस दिन विद्यालय की छुट्टी होती है। तो ये हमारे बुक में हो गया। अब हिंदी की कॉपी निकालिए, कॉपी निकाल लीजिए, ऊपर पाठ का नाम डालिए, कॉपी निकालिए। पाठ 19, सप्ताह के दिनों के नाम लिखो। सप्ताह के दिनों के नाम लिखने हैं आपको, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इस तरह से सप्ताह के दिनों के नाम लिखो, अपनी कॉपी में सप्ताह के दिनों के नाम लिखना है और इसे लर्न करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।